जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कार्टिलेज। एंड कार्टिलेज हमने वी हैव डन कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस। फिर हमने बोन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने कहा था कि बोन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा मटीरियल, जिसे हमने कहा था कैल्सिफाइड मैट्रिक्स। तो बोन की प्रॉपर्टीज जो है ना वो चेंज हो जाती हैं। उसी तरह से हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे कि कार्टिलेज इज आल्सो अ स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और मैट्रिक्स के अंदर कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस की वजह से कार्टिलेज की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज के हमारे हैं, वी आर गोइंग टू डिफाइन कार्टिलेज, वी आर गोइंग टू सॉरी डिस्कस द जनरल फीचर्स ऑफ कार्टिलेज, फिर वी हैव टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिलेज एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, इन द एंड थोड़ा सा ग्रोथ एंड रिपेयर के बारे में आइडिया दे दूंगी। सो मेन जो हमने आज काम करना है उसमें तीनों जो कार्टिलेज की टाइप्स हैं उनका कंपेरेटिव हमने एनालिसिस करना है कि क्या है, तीनों की प्रॉपर्टीज किस तरह की हैं और कहाँ कहाँ पे जो है ना वो उनकी लोकेशन है। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड क्यों है? क्योंकि इस कार्टिलेज में नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के बजाय स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं विच आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स क्या करते हैं? दे आर गोइंग टू फॉर्म कार्टिलेज। ठीक है, पेरेंट सेल से स्टार्ट होंगे, फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट बनेंगे और कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं वो कार्टिलेज के मैट्रिक्स में जब आएंगे दे वुड बी फॉर्मिंग कार्टिलेज। ठीक, तो ये वही प्रोसेस है जो हमने बोन फॉर्मेशन में भी पढ़ा था कि ऑस्टियोजेनिक सेल्स थे, वहां से ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं, दे स्टार्ट डिपॉजिटिंग द बोन एंड देन दे मेच्योर एज ऑस्टियोसाइट्स। उसी तरह से ये भी सेल्स होते हैं। ठीक है, इनकी डिटेल हम आगे देखेंगे। देन वी हैव हाईली स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। हाईली स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब है कि नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू जो कंपोनेंट्स हैं ग्राउंड सब्सटेंस के, जो प्रोटियोग्लाइकेंस और ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह, जो नॉर्मल जेल लाइक सब्सटेंस होता है कनेक्टिव टिश्यू का, उसके अंदर स्पेशल सब्सटेंसेस ऐड हो गए हैं। जैसे बोन में अगर कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स ऐड हो जाए तो वो हार्ड हो जाती है, उसी तरह से कार्टिलेज में कॉन्ड्रोइटन सल्फेट और इसी तरह के एक दो सल्फेट कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाए तो इसमें फिर क्या हो जाता है? 1 मिनट। हाँ जी, फिर इसमें रिजिडिटी आ जाती है। ठीक है, सो हार्ड हो जाता है कार्टिलेज लेकिन कैल्सिफाइड नहीं है, तो इतनी ज्यादा रिजिडिटी नहीं है जितनी बोन में होती है, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं है और फ्लेक्सिबल भी नहीं है बहुत ज्यादा जितना टेंडन और बाकी कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स होते हैं। सो बोन और टेंडन के दरमियान की एक कंसिस्टेंसी होती है कार्टिलेज की। ठीक, रिजिड है लेकिन मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। ओके जी, स्पेशल फीचर्स क्या हैं कार्टिलेज के? कार्टिलेज एक तो एवास्कुलर होता है, एवास्कुलर है और इसका मेटाबॉलिक रेट भी जो है इट हैज वेरी लो मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट लो होने की वजह से क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये कि इसके अंदर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और दूसरा इसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो प्रोडक्ट्स है वो लो रेट पे बन रहे होते हैं। ठीक है, तो जो इसकी न्यूट्रिशन वाली डिमांड्स हैं या वेस्ट मटेरियल एक्सचेंज वाली जो डिमांड्स हैं दे आर फुलफिल्ड बाय डिफ्यूजन। जहां पर आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जहां पर ये जॉइंट के अंदर मौजूद है, वहां पर ये साइनोवियल फ्लूइड से डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन ले लेता है। जहां पर ये बोन्स के साथ एसोसिएटेड है, उसके साथ ज्वाइन किया हुआ है, वहां पर बोन की जो आर्टरीज होती हैं वहां से स्मॉल आर्टरीज से डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो इसको मिल जाता है। बाकी जगहों पे इसके इर्द गिर्द भी एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है, पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम में जो ब्लड वेसल है वहां से डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन मिल जाता है। सो बेसिकली इसके अंदर से ब्लड वेसल्स और नर्व्स पास नहीं करती इसके मेन मटेरियल में से, ठीक, सिर्फ पेरिकॉन्ड्रियम में होती हैं। ओके,
और अगर एजिंग के साथ और किसी भी हाई कंप्रेशन वाली, हाई फोर्सेस वाली जो कंडीशन होती है, उसमें अगर कार्टिलेज को डैमेज होना शुरू हो जाए और उसका मटेरियल जो है यानी मैट्रिक्स जो है अगर वो कैल्सिफाई होना शुरू हो जाए, तो कॉन्ड्रोसाइट्स दे स्टार्ट डाइंग, ठीक है, और कार्टिलेज जो है दैट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू बोन. तो कुछ जो हमारे पास यहाँ पे स्पेसिमेन पड़े हुए हैं डीएच में भी, जब आप लोग देखोगे बोन्स वगैरह में भी, तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर कार्टिलेज हैज कन्वर्टेड इनटू बोन एजिंग के साथ साथ, और डिपेंडिंग अपॉन कि वो पर्सन किस तरह का है, तो वो कार्टिलेज कैन कन्वर्ट इनटू बोन. बाकी जो ये इसकी ग्रोथ के हैं मेथड्स, वो हम आगे फिर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक. तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हमें पता है कि कार्टिलेज बनता है, और कार्टिलेज से जो बोन फॉर्म और ग्रोथ होती है, वो हमें डिस्कस करनी है नेक्स्ट. जी, सो बेटा अनम्यूट कर दें आप, सॉरी म्यूट कर दें, अनम्यूट ना करें. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कार्टिलेज? कार्टिलेज के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है सेल्स एंड मैट्रिक्स. ये टू परमानेंट कंपोनेंट, ठीक है. मैं आपको बता दूंगी कि पेरिकॉन्ड्रियम कहाँ पर होता है और कहाँ नहीं होता. सेल्स कौन कौन से होते हैं? थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जिस तरह से हमने बोन में पढ़ा था कि पेरेंट सेल्स होंगे विच आर कॉल्ड कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स. यहाँ पे कार्टिलेज में हम उसको कॉन्ड्रो के वर्ड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स. फिर हमारे पास कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होंगे जो कॉन्ड्रोब्लास्ट इन्हें हम कहेंगे, और उसके बाद फिर मेच्योर सेल्स जो है उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स कहेंगे, ठीक. देन वी हैव मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं हमारे जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, वो जो मटेरियल जो कि किसी भी नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होता है. फिर हमारे पास फाइबर्स आ जाते हैं. फाइबर मैंने आपको बताया थे कि मेनली कॉलेजन फाइबर्स होते हैं, लेकिन एडिशनल फाइबर्स भी हो सकते हैं, ठीक. और तीसरी चीज आ जाती है वही जो कॉन्ड्रोइटन सल्फेट और इसी तरह के जो और कंपोनेंट्स हैं जो कि कार्टिलेज को सॉलिडिफाई होने में हेल्प करते हैं, ठीक. तो सेल्स डिफरेंट टाइप्स के हैं. देन वी हैव मैट्रिक्स विद फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस एंड कॉन्ड्रोइटन सल्फेट्स. देन वी हैव पेरिकॉन्ड्रियम. पेरिकॉन्ड्रियम में भी वही कंपोनेंट्स होंगे जो हमने पेरिओस्टियम में पढ़े थे, फाइबर्स और सेल्स, ठीक. देख लेते हैं. राइट. सो पहले हम पेरिकॉन्ड्रियम देखें. पेरिकॉन्ड्रियम जो है ये आपको जो स्लाइड नजर आ रही है उसके अंदर जो ये बाहर वाली लेयर है, दिस इज कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम. अब पेरिकॉन्ड्रियम में आपको बाहर के ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे फाइबर्स, छोटे छोटे सेल्स, वो फाइबर मेकिंग सेल्स हैं, ठीक है. वो उसी कनेक्टिव नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू का हिस्सा होता है जिन्हें हम फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं, ठीक. सो आपको फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स नजर आ रहे हैं, कैपिलरीज भी नजर आ रही है, ये कैपिलरी आपको नजर आ रही है, ठीक. चलो जी, ठीक. तो उसके अलावा आपको ये जो इनर लेयर नजर आ रही है जहां पर आपको स्पिंडल शेप सेल्स नजर आ रहे हैं, स्पेशल एक लेयर बनाई हुई है वो पेरिकॉन्ड्रियम की ही इनर साइड पे है. सो वी हैव टू लेयर्स ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम, आउटर फाइब्रस लेयर जो के फाइबर्स की अरेंजमेंट है और साथ फाइब्रोब्लास्ट हैं, कैपिलरीज हैं, नर्व्स भी हैं इसमें और लिम्फेटिक्स भी हैं, ठीक. तो ये बेसिकली सबसे ऊपर वाली वैस्कुलर लेयर होती है, वैस्कुलर एंड नर्वस लेयर. उसके बाद इनर साइड पे पेरिकॉन्ड्रियम में वी हैव लेयर ऑफ पेरेंट सेल्स. पेरेंट सेल्स कौन से हैं कार्टिलेज? दीज आर द कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स. कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स क्या करेंगे कि कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स विल कीप ऑन डिवाइडिंग. जो स्टेम सेल्स होती हैं जब डिवाइड करते हैं तो कॉन्ड्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं. कौन है जो इस वक्त अनम्यूट हुआ हुआ?
राइट. सो कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स आर बेसिकली स्टेम सेल्स, पेरिकॉन्ड्रियम में होते हैं. इसका मतलब है कि जिस जिस कार्टिलेज में जहां जहां पेरिकॉन्ड्रियम है वहां पर रिजर्व सेल्स मौजूद हैं, उनमें रिपेयर की एबिलिटी है. लेकिन जहां कार्टिलेज में पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होगी उस टाइप ऑफ कार्टिलेज में रिपेयर की एबिलिटी बहुत कम हो जाती है. ठीक. सो दीज आर द टू लेयर्स ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम. Then the three types of cells, chondrogenic cells, chondroblasts and chondrocytes. सबसे पहले हम देख लें कि chondrogenic cells क्या होते हैं. Chondrogenic cells, they are basically the parent cells. और हमने ये बात पहले भी की थी, connective tissue कोई भी हो उसमें जो cells हैं उनका origin आता है mesoderm से, और mesoderm जो है वो mesenchymal cells बनाती है, और mesenchymal cells से डिफरेंट सेल्स आ जाते हैं. जैसे मायोब्लास्ट जो है वो मसल सेल्स बनाएंगे, ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन सेल्स बनाएंगे, और कॉन्ड्रोब्लास्ट या कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स से कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो कार्टिलेज बनाएंगे. ठीक है. सो दीज आर बेसिकली द स्पिंडल शेप सेल्स अभी हमने देखे हैं इन फाउंड ऑन द इनर साइड इनर लेयर ऑफ द पेरिकॉन्ड्रियम. ठीक है. ये डिफ्रेंशिएट करते हैं इंटू कॉन्ड्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो फिर कार्टिलेज के मटेरियल ये ओवॉइड सेल्स हैं विद फ्लैट न्यूक्लाई, और दे आर बेसिकली प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स. इन्हें प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बेसिकली जो मटेरियल बनाना है उसमें कॉलेजन जो है वो मेन कंपोनेंट है. और कॉलेजन जो है वो क्या चीज है, कॉलेजन जो है वो फाइबर है जो कि प्रोटीन से बनता है. ठीक. So there are different types of collagen. अब यहाँ पर cartilage में आपने याद रखना है कि जो main collagen type है वो bone वाली नहीं है. Bone जो है उसमें जो main collagen type थी that was type 1 collagen. ठीक. लेकिन cartilage में जो collagen type है that is type 2 collagen mainly. Type 1 और type 2 collagen में difference क्या होता है कि type 2 collagen जो है वो बहुत ही thin fiber होते हैं. ठीक है. और उनकी अरेंजमेंट इस तरह की होती है कि वो माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आते. ठीक है. अभी मैं आपको कार्टिलेज के जब स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि उसका मैट्रिक्स जो है ना उसमें आपको कोई लाइंस वगैरह नजर नहीं आ रही, ट्रांसपेरेंट ग्लासी सी अपीयरेंस आ रही है. तो वो टाइप टू जो कॉलेजन है वो बहुत थिन होते हैं और लाइट थ्रू एंड थ्रू क्योंकि उनके सराउंडिंग में से पास कर जाती है, तो इस वजह से दे गिव ग्लासी अपीयरेंस. टाइप वन जो है वो थिक वाले फाइबर्स हैं, मोटे वाले, वो नजर भी आते हैं. पेरिकॉन्ड्रियम में भी टाइप वन आपको नजर आ रहे थे, इसीलिए आपको क्लियर कट लाइंस नजर आ रही थी, फाइबर्स नजर आ रहे थे कट सेक्शन में. ठीक. सो अब आपने ये याद रखना है कि कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है उन्होंने ये दोनों बेसिकली फाइबर्स बनाने हैं, लेकिन मेनली उसने टाइप टू कॉलेजन फाइबर्स बनाने हैं. जो टाइप वन कॉलेजन फाइबर्स हैं दे आर मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द फाइब्रोब्लास्ट. ठीक. तो और बोन के अंदर जो है सेल्स वो भी टाइप वन कॉलेजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. देन वी हैव द लास्ट कैटेगरी. लास्ट कैटेगरी क्या है कि जी ऑस्टियोब्लास्ट, उसी तरह से जिस तरह हमने ऑस्टियोजेनेसिस में पढ़ा था कि ऑस्टियोब्लास्ट जब वो मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर लेते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं आइसोलेटेड. ठीक. और वो जब ट्रैप हो जाते हैं तो वो कैल्सिफिकेशन के बाद अपने लेक्यूने में या उनके जो घर हैं उनमें रह जाते हैं, और उनके सिर्फ वो कैनालिकुलाए रह जाते हैं जो आपस में कनेक्ट करते हैं. इसी तरह से कॉन्ड्रोसाइट्स तभी यही है. कॉन्ड्रोब्लास्ट जब सिक्रीट कर लेते हैं कार्टिलेज तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो है ना वो आइसोलेट हो जाते हैं. ठीक है. वो ग्रुप्स बना लेते हैं. कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो आप इतना याद रखो कि दे हैव अ लिमिटेड एबिलिटी कि वो जितनी देर में कार्टिलेज जो है ना वो मेच्योर हो रहा है उतनी देर में वो डिवाइड कर सकते हैं, या अगर कार्टिलेज को इंजरी हुई है तो वो डिवाइड कर सकते हैं और कन्वर्ट बैक कर सकते हैं इंटू कॉन्ड्रोब्लास्ट. ठीक. तो ये रिपेयर के लिए यंग ग्रोथ वाले फेज में ये बात इंपॉर्टेंट है. ये बात अगर किसी को ना समझ आए तो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगी या डायरेक्ट मैसेज पे भी एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है. बट द थिंग इज, याद रखने वाली बात यह है कि कॉन्ड्रोसाइट्स जो हैं दीज आर
मैच्योर कार्टिलेज सेल्स, जब कार्टिलेज प्रोड्यूस हो जाता है और उसके अंदर कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट वो जो हार्डनिंग सब्सटेंस है वो बन जाता है, तो उसके बाद कॉन्ड्रोसाइट्स के ग्रुप्स जो है ना वो कार्टिलेज के अंदर स्कैटर्ड हुए हुए फंसे हुए होते हैं, ठीक है। और जिस जगह कॉन्ड्रोसाइट का ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं लैक्यूने। उसी तरह से जिस तरह से हमने कहा था कि ऑस्टियोसाइट जहां पर ट्रैप हो जाता है उस स्पेस को हम कहते हैं लैक्यूने, उसी तरह जहां कॉन्ड्रोसाइट ट्रैप होता है उस स्पेस को हम कह देते हैं लैक्यूने, ठीक है। दैट इज देयर हाउस। एंड यहाँ पर ये आपको एक डिफरेंस नजर आ गया कि कॉन्ड्रोसाइट कैन डिवाइड विद इन द लैक्यूने, तो कॉन्ड्रोसाइट में एक लिमिटेड टाइम तक एबिलिटी होती है। सो दैट्स व्हाई आपको ऑस्टियोसाइट जो है वो एक एक सेल नजर आ रहा था ट्रैप्ड, लेकिन कॉन्ड्रोसाइट एक लैक्यूने में आपको जो है ना वो टू या फोर के ग्रुप्स में नजर आएंगे। ओके जी, मैट्रिक्स में मैंने आपको बता दिया कि एवास्कुलर है, इसका मतलब है उसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स और लिम्फैटिक्स पास नहीं करेंगी, ठीक है। क्या मेन कंपोनेंट्स होंगे? फाइबर्स होंगे और ग्राउंड सब्सटेंस होगा। ग्राउंड सब्सटेंस में जो नॉर्मल कंपोनेंट्स हैं, जो ग्राउंड सब्सटेंस किसी भी कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं वो भी होंगे, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसने हार्डनिंग करनी है विच इज मेनली कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। इसके अलावा भी एक दो सल्फेट्स और हैं, आप जब हिस्टोलॉजी करेंगे कार्टिलेज तो फिर ये सारी डिटेल्स आप वहां पे पढ़ेंगे। अभी जनरल एनाटॉमी में आपको सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सेल्स, फाइबर्स के नाम, हार्डनिंग कंपोनेंट कौन सा है उसका नाम पता होना चाहिए और फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। और यही आपका मेन जो है ना वो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज और उनकी प्रॉपर्टीज को आप यहाँ कंपेयर करें, या फिर खाली वो पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस या व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द कार्टिलेजेस, ठीक। सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ कार्टिलेजेस, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। अब आगे स्ट्रक्चर में जब आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि डिपेंडिंग अपॉन के मैट्रिक्स के अंदर क्या कंपोनेंट्स हैं और सेल्स कम है या ज्यादा है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है कार्टिलेजेस की। लोकेशन हम इन द एंड डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, मैं ये वाला पेज एंड पे आपको दिखा दूंगी। Now, सबसे पहले कौन सा कार्टिलेज है? दिस इज हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो मेनली आपको सबसे जो कॉमन वाला कार्टिलेज है वो हाइलाइन कार्टिलेज है, वो आपको नजर आएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे जो रिब्स के साथ अटैच हुए होते हैं कॉस्टल कार्टिलेजेस, जीफर प्रोसेस के साथ जो कार्टिलेज अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा लेरिंग्स के अंदर जो कार्टिलेजेस हैं, एपिग्लॉटिस जो है, ठीक है, ये सारे जो सबसे ज्यादा कॉमन वाला है जो कार्टिलेज है वो हमारे पास बॉडी पे हाइलाइन कार्टिलेज है, ठीक। इसके अलावा हाइलाइन कार्टिलेज वहां पर भी है जहां पर हमने ऑसिफिकेशन के दौरान में पढ़ा था कि एक प्लेट होती है कार्टिलेज की जो रह जाती है एंड्स पे, एपिफिजियल प्लेट जिसे हम कहते हैं, ठीक, और ग्रोथ होती रहती है और वहां से कार्टिलेज ग्रो करके फिर ऑसिफिकेशन में हेल्प करता रहता है। इन द एंड जब मेच्योरिटी की एज आती है, प्यूबर्टी क्रॉस हो जाती है, तो उसके बाद वो प्लेट खत्म हो जाती है कार्टिलेज की, तो एक टेम्पररी कार्टिलेज जो कि एपिफिजियल प्लेट जिसे हम कहते हैं वो भी हाइलाइन कार्टिलेज है, ठीक। दूसरी जो मेन कैटेगरी है वो है हमारे सारे साइनोवियल जॉइंट्स। अभी तक आप लोगों ने साइनोवियल जॉइंट, मेरा ख्याल है शोल्डर जॉइंट पढ़ लिया होगा, तो साइनोवियल जॉइंट्स में कैप्सूल के अंदर जो आर्टिकुलर सरफेस है वो डायरेक्ट दोनों बोन्स आपस में मूव नहीं कर रही होती, आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज लगा होता है। अब हाइलाइन कार्टिलेज की प्रॉपर्टीज क्या है कि बहुत ज्यादा इस पे जो है ना वो मतलब ये रेजिस्टेंट कार्टिलेज है, इट इज वेरी स्मूथ, और क्योंकि इसके ऊपर साइनोवियल फ्लूइड की लुब्रिकेशन होती है तो वो बहुत ज्यादा स्लिपरी सा एक लेयर बन जाती है, ठीक। सो फ्रिक्शन नहीं होती। सो साइनोवियल जॉइंट्स में आर्टिकुलर कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड की वजह से फ्रिक्शन नहीं होती, तो फिर मूवमेंट्स के बाद एजिंग के साथ बहुत ज्यादा जल्दी वो डैमेज नहीं होते, अनलेस कि ये कार्टिलेज डैमेज हो जाए, ठीक। ओके, फिर हम देखेंगे कि जो मेन कार्टिलेज का जो मटेरियल है सेंटर में, आपको वहां पर ग्रुप्स ऑफ सेल्स, मेच्योर कार्टिलेज सेल्स नजर आएंगे जिन्हें हम आइसोजिनस ग्रुप्स कहेंगे, ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट्स का जो लैक्यूने के अंदर टू या फोर का ग्रुप मैंने बताया था उसको हम कहते हैं आइसोजिनस ग्रुप्स, ठीक।
इसके अलावा कॉलेजन टाइप टू मैंने आपको बताया था कि वो जो कार्टिलेज का अपना कॉलेजन फाइबर है जिसकी वजह से कार्टिलेज की ग्लासी लुक आती है, तो वो यहाँ पर है ठीक। और लाइट माइक्रोस्कोपी में इट इज नॉट विजिबल, उसके मैंने रीजन आपको बता दिया था कि बहुत ही थिन फाइबर्स हैं, स्मॉल फाइबर्स हैं और उनके अंदर गैप्स हैं, तो लाइट थ्रू एंड थ्रू पास कर जाती है, तो इस वजह से जो है ना वो कार्टिलेज नजर नहीं आता आपको, फाइबर्स नजर नहीं आते कार्टिलेज में, राइट। और कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्राइटन सल्फेट वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उनकी सराउंडिंग में, वहां पे मैट्रिक्स जो है ना वो जरा डार्क कलर का होता है, डार्क पर्पल कलर का ठीक। और जैसे जैसे वो डिफ्यूज करके कॉन्ड्राइटन सल्फेट बाकी सराउंडिंग में पहुंचता है तो वो लाइट पर्पल हो जाता है ठीक। तो स्लाइड्स में क्योंकि कॉन्ड्राइटन सल्फेस जो है वो पर्पल स्टेनिंग लेता है, जैसे हम बेजोफिलिक स्टेन कहते हैं ठीक, तो वो आपको नजर आएगा। अभी मैं आपको पहले इसकी एक डायग्राम दिखा देती हूँ, दिस वन ठीक। सो ये आपको हाइलाइन कार्टिलेज की एक डायग्राम नजर आ रही है। सबसे पहले आपको ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम नजर आ रही है ठीक है, विद इट्स आउटर फाइब्रस लेयर एंड इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर या सेलुलर लेयर। नाउ दिस पार्ट इज द मेन कार्टिलेज, बाहर की तरफ पेरिफ्री की तरफ जहां पर पेरिकॉन्ड्रियम में इनर कॉन्ड्रोजेनिक लेयर है उसके एडजेसेंटली वी हैव अ लेयर ऑफ सेल्स विच आर कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट। और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है वो सेल्स हैं जो मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, यानी सब्सटेंस प्रोड्यूस करते जा रहे हैं कार्टिलेज का। सेंटर में ये जो आपको नेस्ट नजर आ रहे हैं दीज आर बेसिकली द कॉन्ड्रोसाइट्स, के मेच्योर हो गए हैं सेल्स, और मेच्योर सेल्स के ये जो ग्रुप हैं जिन्हें हम आइसोजिनस ग्रुप्स कहते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ठीक। और इनका आप नोटिस भी करोगे कि इन सेल्स की सराउंडिंग में जो मैट्रिक्स है वो उसका शेड पर्पल ज्यादा दिया हुआ है, और जो बाकी है इन बिटवीन द मैट्रिक्स सॉरी इन बिटवीन द ग्रुप्स जो मैट्रिक्स है उसका लाइट कलर है ठीक। तो वो मैंने आपको रीजन बता दिया था कि कॉन्ड्रोसाइट्स ही हैं जिन्होंने कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट प्रोड्यूस करना है ठीक है, जो हार्डनिंग सब्सटेंस है, तो जो उसकी कंसंट्रेशन है वो सेल्स के पास ज्यादा होती है, ऐसा ऐसा डिफ्यूज करके जब वो जाती है सराउंडिंग में तो वहां पर शेड कम हो जाता है ठीक। हो गया, बाकी कहीं भी आपको मैट्रिक्स में फाइबर्स नहीं नजर आ रहे, कोई चीज नहीं नजर आ रही, ए वैस्कुलर है ए नर्वस है, और फाइबर्स जो है वो थिन वाले टाइप टू है इसलिए आपको यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। जी सो हाइलाइन कार्टिलेज कहाँ कहाँ मैंने आपको पहले भी बता दिया है, एक मैंने आपको बताया जो टेम्पररी वाला है विच इज एपिफिजियल कार्टिलेज, बोन के एंड और शाफ्ट के दरमियान में मेटाफिसिस वाली जगह पर वो होता है, और फिर ग्रोथ के साथ साथ मेच्योरिटी के बाद ये खत्म हो जाएगा ठीक। देन वी हैव कॉस्टल हाइलाइन कार्टिलेज, यानी जो भी पेरिकॉन्ड्रियम वाला जो कार्टिलेज है हाइलाइन वो मैंने बताया आपको। आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज की एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज में सिर्फ वो सेंटर वाला जो स्ट्रक्चर था आइसोजिनस ग्रुप्स वाला और मैट्रिक्स वाला वो होता है, पेरिकॉन्ड्रियम इज एब्सेंट। तो आर्टिकुलर हाइलाइन कार्टिलेज एक दफा जब बन जाता है तो उसके बाद उसमें रिपेयर के और ग्रोथ की एबिलिटी बहुत कम होती है, और पेरिकॉन्ड्रियम इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहां पे साइनोवियल फ्लूइड है साइनोवियल जॉइंट के अंदर विच इज गोइंग टू नरिश इट, तो डिफ्यूजन के थ्रू क्योंकि उसको अपनी सारी नरिशमेंट मिल जाती है वहां पर पेरिकॉन्ड्रियम नहीं होती। नाउ इलास्टिक कार्टिलेज जो है विच इज द सेकेंड टाइप ऑफ कार्टिलेज, अब मैंने हाइलाइन कार्टिलेज का आपको बताया कि उसमें आइसोजिनस ग्रुप्स होते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम है, मैट्रिक्स के अंदर टाइप टू कॉलेजन मेनली है ठीक। नाउ अबाउट द इलास्टिक कार्टिलेज, इसमें नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट इज मोर देन द हाइलाइन कार्टिलेज, और मैट्रिक्स जो है यानी जो सराउंडिंग सब्सटेंस है उसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट कम होती है ठीक। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि इलास्टिक कार्टिलेज इज डिफरेंट फ्रॉम हाइलाइन कार्टिलेज, किस तरह से
कॉन्ड्रोसाइट ज्यादा है और मैट्रिक्स के अमाउंट कम है. अनदर थिंग कि टाइप टू कॉलेजन के अलावा इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे. अब टाइप टू कॉलेजन जो है वो तो बारीक वाले फाइबर्स थे, मैंने आपको कहा कि उनकी अरेंजमेंट इस तरह की होती है कि लाइट जो है वो थ्रू एंड थ्रू पास कर जाती है, लेकिन इलास्टिक फाइबर्स जो हैं दे आर थिकर लार्जर फाइबर्स. ठीक, तो वो ब्रांचिंग फाइबर्स भी होते हैं और ये वो फाइबर्स हैं विच आर विजिबल. तो मैट्रिक्स में भी इलास्टिक फाइबर्स हैं, पेरिकॉन्ड्रियम में भी इलास्टिक फाइबर्स हैं. तो एडिशनली जो इलास्टिक फाइबर्स आ जाए अगर हाइलैंड कार्टिलेज में, तो कौन सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है? इलास्टिक कार्टिलेज. ठीक, अब क्योंकि इलास्टिक रबर बैंड की तरह के जो फाइबर्स आ गए हैं उसकी वजह से इलास्टिक कार्टिलेज में एबिलिटी है फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है, जो कि हाइलैंड में इससे कम होगी. अगर आप अपना ईयर देखें तो जो पिन है उसको आप बेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह भी मरोड़ लो लेकिन वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है. तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. तो इलास्टिसिटी का जो ये कैरेक्टरिस्टिक है वो इलास्टिक फाइबर्स की वजह से इलास्टिक कार्टिलेज में आ जाता है. ये एग्जाम्पल लोकेशन की जो है वो आप इस तरह से याद रखेंगे, एक तो पिन्ना में होते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारे जो है वो एपिग्लॉटिस में होता है, ठीक है, और इसके अलावा जो इलास्टिक कार्टिलेज है थर्ड कैटेगरी जो है वो ऑडिटरी हमारी जो ट्यूब होती है जो ईयर के अंदर कार्टिलेज पार्ट होता है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटिस के बाद जो स्टार्ट होता है, यानी ईयर की जो ओपनिंग है उसके अंदर की तरफ जो कार्टिलेज वाला पार्ट ट्यूब का मौजूद है वो जो है वो भी इलास्टिक कार्टिलेज है. सो दीज आर द लोकेशन या एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज में अब आप स्ट्रक्चर देख लें कि वही है बेसिकली जो हमने हाइलाइन कार्टिलेज में पढ़ा था, सॉरी, उसी तरह से पेरिकॉन्ड्रियम की फाइबरस और सेलुलर लेयर नजर आ रही है, उसी तरह से आपको आइसोजिनस ग्रुप्स नजर आ रहे हैं. मैट्रिक्स के अंदर कलर्स के शेड भी उसी तरह से हैं, पास ज्यादा पर्पल है क्योंकि कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट सेल्स की सराउंडिंग में ज्यादा होता है और जरा थोड़ा तो डिस्टेंस पे जो है ना वो लाइट हो जाता है. अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, आपको ग्लासी अपीयरेंस नहीं नजर आ रही, ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारे ये थ्रेड्स नजर आ रहे हैं. ठीक, ये जो थ्रेड्स हैं मैट्रिक्स के अंदर नजर आ रहे हैं दीज आर द इलास्टिक फाइबर्स, क्योंकि टाइप टू कॉलेजन फाइबर्स जो इसमें हैं वो तो नजर नहीं आ रहे होंगे, वो लाइट माइक्रोस्कोपी में नजर ही नहीं आते. सो यहाँ पर हाइलाइन और इलास्टिक कार्टिलेज में सिर्फ एक ही आपको डिफरेंस दोनों डायग्राम में नजर आएगा. एक तो आपको नंबर ऑफ कॉन्ड्रोसाइट यानी ये जो ग्रुप्स हैं ये ज्यादा नजर आ रहे हैं, मैट्रिक्स कम है, और दूसरा आपको ग्लासी अपीयरेंस नजर नहीं आ रही. वी हैव इलास्टिक फाइबर्स विच आर विजिबल. हाइलाइन कार्टिलेज में सिर्फ टाइप टू कॉलेजन फाइबर्स होते हैं विच आर नॉट विजिबल. इलास्टिक कार्टिलेज में टाइप टू कॉलेजन भी हैं विच आर नॉट विजिबल और इलास्टिक फाइबर्स भी हैं विच आर विजिबल. तो ये एक डिफरेंस आ जाता है इनमें. अच्छा जी, थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है फाइब्रो कार्टिलेज. फाइब्रो कार्टिलेज जो है, अब आपको नाम से आइडिया हो रहा होगा, फाइब्रो एंड कार्टिलेज. सो इस तरह से है कि टेंडन का जो मटेरियल होता है यानी डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, फाइबर से बना हुआ जो एक मटेरियल होता है उसको लेके और थोड़े से कार्टिलेज का मटेरियल को लेकर अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज बन गया. इसका मतलब बिल्कुल भी टेंडन की तरह रिजिड और बहुत ज्यादा वो फ्लेक्सिबल भी नहीं है, और कार्टिलेज की तरह जो है ना वो हाईली जिसे कह सकते हैं टेंसाइल भी नहीं है. ठीक, तो इन दोनों का एक मिक्सचर बन जाता है, टेंडन और हाइलैंड कार्टिलेज का एक मिक्सचर समझ लेंगे बन जाएगा. सो कार्टिलेज में तो टाइप टू फाइबर्स होते हैं, अभी हमने देखा मेन जो कैटेगरी है कार्टिलेज में दीज आर टाइप टू कॉलेजन फाइबर्स, और जो टेंडन वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है यानी जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें कॉलेजन टाइप वन आ जाता है. टाइप वन हमने पहले भी देखा कि बोन में भी होता है, इसका मतलब है कि फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो दैट इज हार्डर देन और मोर रिजिड देन हाइलैंड कार्टिलेज, लेकिन स्टिल अ बिट फ्लेक्सिबल देन द बोन, क्योंकि फाइबर्स वो वाले आ गए हैं लेकिन कैल्सिफिकेशन नहीं हुई. ठीक, ये आपने जहन में रखना है. अब हाइलैंड कार्टिलेज में वी ओनली हैड टाइप टू कॉलेजन फाइबर्स, इलास्टिक कार्टिलेज में वी हैड टाइप टू कॉलेजन प्लस इलास्टिक फाइबर्स, एंड फाइब्रो कार्टिलेज में वी हैव टाइप टू कॉलेजन फाइबर्स प्लस टाइप वन कॉलेजन फाइबर्स. तो जहां पर टाइप टू कॉलेजन फाइबर्स होंगे वो हिस्से में
मैट्रिक्स आपको ग्लासी लुक दे रहा होगा, और जहां पर टाइप वन फाइबर्स हैं वो आपको फाइबर्स वाली अपेयरेंस आ रही होगी. ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात ये. दूसरी बात ये कि पेरिकॉन्ड्रियम जो है दैट इज एब्सेंट इन आर्टिकुलर कार्टिलेज, हाईलाइन आर्टिकुलर कार्टिलेज में एब्सेंट है, और फिर फाइब्रो कार्टिलेज में एब्सेंट है. इट इज प्रेजेंट इन इलास्टिक कार्टिलेज एंड नॉन आर्टिकुलर हाईलाइन कार्टिलेज. जो हमने कॉस्टल कार्टिलेजेस पढ़े हैं उनमें प्रेजेंट है, इलास्टिक में प्रेजेंट है, लेकिन पेरिकॉन्ड्रियम फाइब्रो कार्टिलेज में भी नहीं है. इसका मतलब ये है कि फाइब्रो कार्टिलेज में भी जो कार्टिलेज वाले मटेरियल जो है उसकी रिपेयर की या ग्रोथ की एबिलिटी जो है वो बाद में बहुत कम होती है. एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर एक इंटरवर्टिबल डिस्क है. इसके अलावा लोअर लिम में आप पढ़ेंगे कि हिप बोन दोनों के दरमियान में जो ज्वाइंट बनता है दैट इज प्यूबिक सिम्फिसिस, वहां पर भी फाइब्रो कार्टिलेज होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइब्रो कार्टिलेज. अब आपको देख लें कि ये मिक्सचर सा है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट नजर आ रहे हैं. ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू वाला डेंस टेंडन वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है. फिर ये दरमियान में आपको एक पार्ट थोड़ा सा आ जाता है कार्टिलेज वाला, ठीक है, जिसमें आइसोजिनस ग्रुप्स और मैट्रिक्स नजर आ रहा है. फिर फाइबर्स आ गए इस हिस्से में, फिर कार्टिलेज वाला मटीरियल आ गया, यानी मिक्सिंग हो गई है. फाइबर्स की जो शीट्स की अरेंजमेंट है वो है, और फिर कार्टिलेज मटीरियल है, फिर फाइबर्स है, फिर कार्टिलेज मटीरियल है. तो ये जो एक मिक्सचर सा बना है उसकी वजह से दोनों प्रॉपर्टीज मिक्स हो गई हैं. ठीक, तो ये हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर आ गया. एग्जाम्पल हम जो है वो फाइब्रो कार्टिलेज की एग्जाम्पल्स, एक मैंने आपको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बताई थी जो वर्टिब्री के बॉडी के दरमियान में जो जॉइंट बन रहा है वहां पर. इसके अलावा जहां पर हम शोल्डर जॉइंट में ग्लीनोइडल लेब्रम आपने पढ़ा होगा, उसी तरह से हिप जॉइंट में एक लेब्रम होता है जिसे हम एसिटैबुलर लेब्रम कहते हैं. तो ये जो लेब्रम है जो कि उनकी कैविटी को बढ़ाने के लिए कार्टिलेज की वॉल लगी हुई है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाइब्रो कार्टिलेज. प्यूबिक सिम्फिसिस जो दोनों हिप बोन का फ्रंट का जो जॉइंट है वो भी फाइब्रो कार्टिलेज. ठीक है, तो ये सारी आपकी एग्जांपल्स आपको बुक में मिल जाएंगी. आपने स्ट्रक्चर याद करना है थोड़ा सा कि क्या डिफरेंस है फाइब्रो कार्टिलेज में, इलास्टिक कार्टिलेज में, हाइलाइन कार्टिलेज में. फिर आपने इनकी प्रॉपर्टीज बता देनी है, उनका फंक्शन क्या है, और लोकेशन बता देनी है. ठीक, सो ये मेन चीज थी. कार्टिलेज ग्रोथ जो है दैट इज ओनली मोस्टली ड्यूरिंग कॉन्ड्रोजेनेसिस, जो कि सारा ये ग्रोथ पीरियड जेनेसिस के दौरान में कार्टिलेज जो बनता है उसने क्या करना है, उसे दो तरह से ग्रो करना है. एक है एपोजिशनल ग्रोथ. एपोजिशनल ग्रोथ का मतलब है कि कार्टिलेज की सराउंडिंग में जो पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स हैं दे डिवाइड प्रोड्यूस कॉन्ड्रोब्लास्ट. कॉन्ड्रोब्लास्ट से आगे जो है ना वो मैट्रिक्स बनेगा और कार्टिलेज का साइज इंक्रीज करेगा. ठीक, और दूसरी ग्रोथ होती है इंटरस्टिशियल ग्रोथ. इंटरस्टिशियल ग्रोथ का क्या मतलब है कि अंदर जो मौजूद है कॉन्ड्रोसाइट्स मोर मैच्योर होने से पहले पहले दे प्रोड्यूस मैट्रिक्स, तो वो थोड़ा सा वो रिवर्स की तरफ जब जाते हैं. ये दोनों प्रोसेसेस मेनली जो है ना वो डेवलपमेंटल एज में ज्यादा चल रहे होते हैं, मेच्योर एज में या एडल्ट एज में बहुत कम होता है. सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो स्लाइट कैपेबिलिटी है हाईलाइन कार्टिलेज में या इलास्टिक कार्टिलेज में रिपेयर की, तो उसके वक्त जो है ना वो ये इंटरस्टिशियल ग्रोथ या एपोजिशनल ग्रोथ वाला प्रोसेस वो ट्रिगर हो सकते हैं. अदरवाइज ये तो दोनों प्रोसेसेस हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कॉन्ड्रोजेनेसिस यानी डेवलपमेंटल एज के दौरान में चल रहे होते हैं. वेरी लिमिटेड एबिलिटी टू रिपेयर, और अगर इंजरी हो जाए तो रिप्लेसमेंट कैसे होती है कार्टिलेज की, कनेक्टिव टिश्यू से. और कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो कार्टिलेज की तरह बहुत ज्यादा उस तरह रिजिडिटी उसमें नहीं होती. ठीक है, वो जो है ना उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो प्रेशर या इतनी फोर्स बर्दाश्त कर सके जो कार्टिलेज में है. ठीक है, और बोन में सबसे ज्यादा है. सो ये चीज अपने जहन में रखनी है कि जब कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा तो फिर उसमें बार बार इंजर होने के चांसेस है. ये मैं आपको टेबल जो है ना वो आपको भेज दूंगी,
ये आपको टेबल अगर आप देख लेंगे तो मेरा ख्याल है आज का लेक्चर, और अगर आपको टेबल मिल जाए इसमें कार्टिलेज कवर हो जाता है। आपकी बुक में शायद थोड़ी कम ही डिटेल दी होगी, लेकिन जितनी बुक में डिटेल दी हुई है ना वो सफिशेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हैं कि आप कार्टिलेज को डिफाइन कर लें, उसके कुछ फीचर्स बता दें, जैसे मैंने बताया था कि वो ए वैस्कुलर है, ए फाइब ए नर्वस है, पेरिकॉन्ड्रियम होती है, ठीक है, और मेटाबॉलिक रेट कम है, इम्फैटिक्स नहीं है, रीजनरेशन की एबिलिटी बहुत कम है, ये सारे उसके फीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कंपोनेंट्स बताए थे, उसके बाद थ्री टाइप्स की कंपैरिजन बता दिया था प्रॉपर्टीज का कि क्या क्या मटेरियल उसमें एक्स्ट्रा है, किसी में नहीं है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन बता दी थी। तो ये आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है, हाईलाइन कहाँ कहाँ पे होता है, इलास्टिक कहाँ पे होता है, फाइब्रो कहाँ पे होता है। ये याद रखना है कि इसमें सिर्फ हाईलाइन नॉन आर्टिकुलर कार्टिलेज का बताया हुआ, आर्टिकुलर तो आपको पता होगा जहां पे भी साइनोवियल जॉइंट है वहां पर होगा हाईलाइन आर्टिकुलर कार्टिलेज, तो वो आपने खुद मेंशन कर देना, ठीक। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा फंक्शन भी बता दिए, एंड कंपैरिजन का आपको एक टेबल मिल गया है। जैसे पेरिकॉन्ड्रियम हमने पढ़ा फाइब्रो कार्टिलेज में नहीं होते और हाईलाइन आर्टिकुलर कार्टिलेज में नहीं होते, ठीक है। कैल्सिफिकेशन किस में कॉमन है ये भी आपको बता दिया कि हाईलाइन में और फाइब्रो में कॉमन है। सेल टाइप्स की भी बता दिया, ठीक है, और आगे मैट्रिक्स के भी बता दिया। तो ये मैं आपको जो है ना इसकी स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरह से है, ठीक।